नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और जो ये व्लॉग जो डेडिकेटेड होने वाला है, ये मार्केट दिखाने वाला हूँ आपको खिलाड़ की मार्केट कैसी है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, ट्रैवल एरिया की मार्केट जैसी होती है, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो जगह है ये चौकी जगह आती है। और यहाँ पे जो पांगी का सबसे पुराना मार्केट था वो सेटल था। मार्केट ये नहीं था कि बहुत बड़ा मार्केट था, चार पाँच दुकानें थी। ये दुकान सबसे पुरानी दुकान थी यहाँ पर। और धीरे धीरे ये दुकानें, जो जितनी भी दुकानें आप देख रहे हो, तो ये सारी पुरानी मार्केट थी, बट ये बंद हो चुकी है क्योंकि धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है मार्केट। तो वो दिखाता हूँ आपको जाके। यहाँ पे मंदिर है, ये लोकल देवी देवताओं के मंदिर है। यहाँ पे भी सामने मंदिर है। हॉस्पिटल की जो मेन बिल्डिंग है वो तो ये है, बट जो नई बन रही है वो ये बन रही है, कंस्ट्रक्शन पे है। और ये सारा अभी काम चल रहा है तो अभी टाइम लगेगा इसके लिए, बट हाँ धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ये चल रहा है। ये हॉस्पिटल के सामने का, और जो फ्लातर का जो फंक्शन होता है, जो नाइट फंक्शन होता है, वो यहीं पे होता है। मार्केट में कुछ दिखाने के लायक तो है नहीं कुछ भी, बट जो भी मार्केट है वो वैसा ही मार्केट है जो एक नॉर्मल मार्केट होता है। तो यहाँ पे सेम आप देख सकते हो, कपड़ों की दुकानें, किराने की दुकानें, मीट शॉप, नॉर्मल की दुकानें होती है, सारी जगह ऐसी दुकानें होती है। तो जो पीछे वाला पुराना मार्केट है, उसके बाद जो डेवलप मार्केट हुआ है वो ये वाला मार्केट है। तो यहीं पे यही है, सारे ताज होटल शॉप्स हैं छोटी मोटी। पांगी का ठेका, और यहाँ पे नॉर्मल दुकानें जो होती हैं हर मार्केट में। तो यही है मार्केट यहाँ पे, लगभग जिसका एल्टीट्यूड पड़ता है 2400-2500 का मीटर का एल्टीट्यूड पड़ता है, तो हाई एल्टीट्यूड का मार्केट है, और तो क्या बोल सकते हैं। और ये दुकानें देख सकते हैं आप। जी ये मार्केट है, ये यहीं तक है और यहीं तक ख़त्म हो जाता है। और जो नया मार्केट बना हुआ वो आगे है, वो बस स्टैंड का मार्केट अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नया मार्केट बन रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो बना है अभी ना बस स्टैंड का मार्केट, तो यहीं से ये मार्केट सारा शुरू है। और यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, आप देख सकते हो कि लोग दुकानें भी बना रहे हैं और कुछ बन भी चुकी हैं। तो धीरे धीरे सारा मार्केट डेवलप हो रहा है अभी, तो यही है सारा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मार्केट जो नीचे नीचे की वो बन चुकी है, ऊपर ऊपर डेवलप हो रही है धीरे धीरे। तो ये सारा मार्केट बन रहा है अभी धीरे धीरे। ये जो नया मार्केट बन रहा है एक ही साथ में यहाँ से बन रहा है, पीछे से मैंने आपको दिखाया था, तो यहीं से सारा मार्केट यहाँ से है, तो आगे तक है ये, बस स्टैंड से आगे तक है मार्केट। ये है चंद्रभागा होमस्टे, इसकी डेकोरेशन और बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। तो ये पूरा देख सकते हैं आप चंद्रभागा होमस्टे, कोई आता है यहाँ पर तो आके स्टे भी कर सकता है यहाँ पर। ये भी शॉप्स हैं यहाँ पर धीरे बनी हैं, और यहाँ पे भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जो लोग बाहर से आके नेपालीज वगैरह आके यहाँ पे रेस्टोरेंट लगा के बैठे हुए हैं, ये शॉप्स हैं। और एक ही बैंक है यहाँ पे SBI का, वो ये ब्रांच है, एक ही ATM है पूरे पांगी में, वो भी यहाँ पे है। और जितना भी जब भी पैसा आपको निकालना पड़ेगा वो यहीं पर निकाल सकते हो, और बाकी कहीं पर कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी आपको। ये होम होटल्स बनाए हैं उन लोगों ने यहाँ पे, जितने भी ये होटल्स देख रहे हैं आप सारे ठेकेदार हो गए यहाँ पे।
और ये बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में पहुंच गए हैं, यहाँ पे मार्केट है यहाँ पे। मीट शॉप्स पांगी में जो मीट शॉप्स हैं वो यहाँ पे भी है थोड़ी सी। और ये जो जगह आती है कलोनी कहलाई जाती है, जो कलोनी करके कहलाई जाती है, यहाँ पे शॉप्स है लोगों की और यही बस स्टैंड का एरिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा मोटा रश होता है, ज़्यादा नहीं, ये लोकल मार्केट है। तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जो यहाँ पे आसपास के लोग होते हैं, इस वैली के लोग। और कितना जितना रश है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत, इतना बड़ा मार्केट नहीं है। ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे टैक्सीज लगती हैं और बसेस भी यहीं लगती हैं, यहीं से डिपार्चर होता है सारी बसेस का और यहीं से जाती हैं सारी बसेस। तो मैं ये बस स्टैंड है, मैं आपको ऊपर बस स्टैंड दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या व्यू आता है। और बस यही है सब कुछ यहाँ का मार्केट। तो बस स्टैंड के लिए रास्ता जो आता है वो यहीं से आता है, आपको यहीं से मुड़ के, यहाँ से ऐसे मुड़ के और यहाँ से इस तरफ को जाना पड़ता है, उस तरफ को। तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि कैसा है ऊपर से क्या व्यू आता है। यहाँ पे भी धीरे धीरे मार्केट होने लगा है डेवलप। और एक्चुअली ये मार्केट बहुत पुराना है तो नहीं है, बट हाँ ट्रैवल एरिया है। ट्रैवल एरिया में अब ऑब्वियस ही बात है जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होती है, तो अब वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो धीरे धीरे ही हो रही है। तो उसके हिसाब से ये बस स्टैंड भी नया बन रहा है धीरे धीरे। जो पुरानी बिल्डिंग है बस स्टैंड की सबसे, वो ये वाली है। उसके बाद वो सामने जो बिल्डिंग बन रही है इस इन बसों के पीछे, ये वाली बिल्डिंग जो मैं आपको पॉइंटिंग कर रहा हूँ, ये नई बनी है अभी। और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ये फ्लोरिंग का काम अभी बाद में होगा। और ये जो बसेज है सारी यहीं की ट्रांसपोर्ट का है, जो लोकल चलती हैं गाँव में लोगों के लिए। तो हाँ थोड़ी मुश्किल होती है सर्दियों में जब बर्फ़ गिर जाए, बस ऐसे मौसम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब बर्फ़ गिर जाए तो ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बसों को चलने के लिए प्रॉब्लम होती है। जितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इधर से व्यू दिखाता हूँ जो बस स्टैंड से ऊपर से आता है। अब जो ये बस स्टैंड के बैक साइड में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जितनी भी बसेस लगी हैं सारी इधर बसेस लगी हुई हैं। और जो ये जो व्यू आता है यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। मतलब आज तो मौसम भी अच्छा है और मौसम अच्छा होने के कारण जो घूमने का मज़ा भी आता है, बंदा घूम भी सकता है गुलाओ के। और ये टैक्सी स्टैंड आपको मैंने नीचे दिखाया है, यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो आप कभी भी आते हो तो ये चीज़ें भी देखो आके पांगी में, स्पेशली ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये मार्केट सामने, यहीं से हम यहाँ से चल के और यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यही मार्केट है, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। आप सोचोगे कि मनाली या फिर उस हिसाब का मार्केट है, तो उस लेवल का कोई मार्केट नहीं है यहाँ पे। हाँ ट्रैवल एरिया है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और अभी आने वाले टाइम पर तो और भी ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने सामने वो पुलिस स्टेशन, सामने इनके अपार्टमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट के अपार्टमेंट्स हैं ऊपर ये भी, और ऊपर भी जगह है। मैं आपको दिखाऊँगा टाइमली जब टाइम लगेगा, तो बट अभी मैं आपको यही दिखाता हूँ यहाँ से जो बस स्टैंड का नज़ारा है थोड़ा बहुत, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब जब पांगी में जब आप एंटर करते हो तो यहीं से एंटर करते हो, ये वाला रोड है, और एंटर करोगे तो यहीं पे आपको जब स्टार्टिंग में आओगे तो आपको टैक्सी स्टैंड दिखेगा, बस स्टैंड यहीं दिखेगा, जितना भी मार्केट है और जितना भी रश होगा वो यहीं पर दिखेगा। तो यही है, छोटा सा मार्केट है। अब जैसे जितनी भी बसेस आप देख रहे हो ये सारी की सारी, ये है तो पुरानी बसेस और इस रोड पे ऐसी बसेस गवर्नमेंट ने चलाई हैं। और धीरे धीरे ज़रूर अभी धीरे धीरे और भी ज़रूरत के हिसाब से लोग चीज़ें कर रहे हैं। अभी आप फोर्स के टेम्पो देख रहे हो, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है और बसों की जगह ये भी चलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है वैसे। और बसेस पे ये है कि लोकली बसेस चलने वाली है, जितने भी गांव में लोग जाते हैं। और सारी जो बसेस हैं मैक्सिमम 5:30 बजे तक चली जाती हैं, तो 5:30 बजे तक ही मार्केट में रश होता है, उसके बाद सारा मार्केट बिल्कुल सूना हो जाता है, मतलब आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा 5-6 बजे के बाद। और ये सारा बस स्टैंड है यहाँ पर।